नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त हमारे साथ है अनुराग ओझा, जो समय समय में अपनी बातों को लेकर, अपनी वक्तव्यों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अच्छा वक्ता माने जाते हैं, बोलते भी शानदार है। आज हमारे साथ है, हम इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। अनुराग, जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारत की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव आने जा रहा है, क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बननी है, जो राहुल गांधी जी ने पांच न्याय की बात की और 25 गारंटियों की बात की है। जनता के दिल और दिमाग में वो गारंटियां बिल्कुल बैठ गई। जो हमारा पांच न्याय है, युवा न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय और किसान न्याय, जिससे भारतीय जनता पार्टी इन पांच न्यायों के बारे में गलती से भी नाम नहीं लेती। आप बताइए, युवा इस देश का 83% युवा बेरोजगार है जी। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है। आप बताइए, किसान के बारे में कब बोला, युवा के बारे में कब बोला, महिला के बारे में कब बोला, श्रमिक के बारे में कब बोला, भागीदारी के बारे में कब बोला? बोलते हैं मोदी जी? जी, मुंडी मत हिलाइए, बोलिए कब बोला है? नहीं बोलते तो बहुत कम ही है। कब बोले? मंदिर बना है ना जी, धारा 370 हटा है ना। किसी ने लिखा था कि मंदिर मस्जिद बनाए न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहे और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं बस। आप राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं, आपका मानना है, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं, आप हम पे वो लगाएंगे कि हम किसका समर्थन करें। राहुल गांधी जी का कर रहे हैं, सवाल कहां पूछ रहे हैं? तो सवाल पूरा, राहुल गांधी जी का समर्थन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। आप ऐसा कैसे कह सकते कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूं, मैं तमाम चीजों का समर्थन करूंगा, जो महिला हित की बात करे, किसान हित की बात करे, युवा हित की बात करे और पत्रकारिता की भी। उनके मैनिफेस्टो को आप उठाइए और पढ़िए, वो मीडिया को भी कह रहे कि मीडिया को भी स्वतंत्रता मिलेगी। आज का जो मीडिया हो गया है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा पिलर कहा जाता है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चढ़ चमुकम करने लगा। अच्छा, जो मेरा पहला सवाल था उसको हम दोबारा से कर लेते हैं। राहुल गांधी जी का आप समर्थन कर रहे हैं, उनको पप्पू बोलते हैं राहुल, ये प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को झूठा बोलता हूँ मैं, बोलता हूँ, बोलिए, जुमला जी भी बोलता हूँ, विज्ञापन जी भी बोलता हूँ। जनता का सारा पैसा विज्ञापन पे लगा दिया, जनता ने हिसाब पूछा तो हिंदू मुसलमान करा दिया। 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप लोग कहाँ सामने? भाई, गुप्ता टेंट वाले के यहाँ 400 कुर्सियां पहले उठ चुकी है, 70-75 कुर्सियां बची है, मोदी जी ले जाएंगे मोदी जी 70-75 पे। इनकी सिर्फ 100 से 120 सीटों के अंदर सिमट जाए तो कहना, 400 पारे कहाँ से लाएंगे भाई, बताइए। किसान इनके साथ है, बोलिए। अब बताइए, जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब बताइए, आप ही पूछेंगे, हो सकता है, आप ही बताएंगे, हो सकता है हो भी ना भी। जिन किसानों के आगे, सुनिए भाई, जिनके आगे 10-10 इंच की किले बिछाई गई हो, वो किसान कतई भारतीय जनता पार्टी के आगे नहीं जाएगा। तो बिना किसान, सुनो, युवा की, बिना किसान का समर्थन कोई किसान नहीं जा रहा, कोई से सरकार तो बन नहीं। अरे, अब किले कब गाड़ रहे हैं? दो बार पहले से गाड़ रहे हैं, अब तो किले गाड़ रहे हैं ना लगातार। किसान इस बार इनसे नाराज है। महिला हित की बात की जाए तो बड़ी नाराज है। अरे बता तो रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखिए, करेजा को थोड़ा रोक के रखिए, नहीं तो बाघ का करेजा गया है ना रिंकिया का पापा, तो उछल के बाहर आ जाएगा आपका। महिला हित की बात अगर किया जाए तो महिला भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज। कश्मीर चले जाइए, कठुआ चले जाइए, हाथरस चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, या पहलवान बेटियों की बात कर लीजिए, महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रताड़ित किया गया। अब बात करते हैं युवाओं की, करिए। जिस देश में पेपर लीक होता है, उस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है। युवा अगर रोजगार मांगता है तो उसका, उसको लाठी और डंडे से पीटा जाता है जी। अब बताइए, हम वोट तो देंगे, भाजपा का झंडा तो उठाएंगे, लेकिन जब रोजगार की बात करेंगे तो मोदी जी कहेंगे पकौड़ा तोड़। अब बात करते हैं श्रमिक की। अटल बिहारी वाजपेयी भी जी कहा करते थे कि पसीना सूखने से पहले श्रमिक को उसकी दिहाड़ी मिल जानी चाहिए जी। 10 साल में मनरेगा मजदूरों को कितना बढ़ाया है? 7 रुपया। 200 रुपया कांग्रेस दे रही, 230 रुपया, 7 रुपया इन्होंने बढ़ाने का काम किया है जी। 237 रुपया मिल रहा है। 1 लीटर तेल का रेट पता है आपको? 125 रुपया, 135 रुपया, पहले और ज्यादा था, अभी कुछ कम है। अरे चुनाव आ गया है ना, गरीब की थाली में पुलाव है, लगता है इस बार भी चुनाव। तो ये चुनाव के समय में भाई कम कर देते हैं। मुद्दे पर ही बात करते हैं, श्रमिकों का न्याय दिलवाने की बात भी राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम 400 रुपया दिहाड़ी देंगे। वो तो ये भी बोल रहा है कि मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। हाँ, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गाली खाया अच्छा है। हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माँ से महंगाई नहीं बोलते हैं, माँ से मंगलसूत्र बोलते हैं, माँ से मुसलमान बोलते हैं, माँ से मंदिर बोलते हैं, माँ से मस्जिद बोलते हैं, लेकिन महंगाई का माँ लेने को तैयार नहीं है, महिला न्याय के माँ लेने को तैयार नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ, और कहते हैं दो भैंस है तो एक भैंस ले लिया जाएगा जी। ये आपके पास दो माइक लगा हुआ है, दो है, दो लगा हुआ है, तो ये आपका एक माइक छीन लेगा कोई? 70 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, 60-65 साल थी, 70 साल का हिसाब मांगते हैं मोदी जी। ठीक, 70 साल में किसका किसका भैंस छीना गया, किसका किसका गहना छीना गया, किस किसका मंगलसूत्र छीना गया? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का काम किया है। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार में 28 और 30 हजार के बीच में सोना था, आज 70 हजार पार हो गया। बताइए कि पुलवामा अटैक में जितने शहीद हुए हमारे भाई, सबकी महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया था? 850 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनकी महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया था? बोलिए, कोरोना में इतने हमारे प्रवासी मजदूर शहीद हुए, उनका मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया था जी? बोलिए, अभी जल्द ही चुनाव हो रहा है, 2-3 पत्रकारों को गोली मार दी गई, आप बताइए उनके पत्नियों का मंगलसूत्र छीनने का काम किसने किया? बोलिए, हूं मत कीजिए भाई, हम मेरा काम है सवाल पूछना। आप ही का काम है सवाल पूछना, आप देश के नहीं मंगल ग्रह से आए हैं। नहीं, हम भी देश के। प्रधानमंत्री से सवाल आप भी पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल आप भी पूछिए। देश आजाद हुआ, सुनिए, देश आजाद हुआ 80-85 साल की महिला ने मोदी नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया और बोला देश आजाद हो गया, और हमको क्या मिला? तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला। और हम पूछ रहे हैं 10 साल में क्या मिला, तो आप कहते हैं कि मंदिर मिला। हम पूछते हैं 10 साल में क्या मिला, तो कह रहे हो मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही, क्या हो रहा है भाई? आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हो उनमें तो कोई गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। आप हमको सिखाएंगे कि किसे? अरे भाई, मैं यही कहता हूँ, मैं यही बार बार कहता हूँ कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अच्छा, आप जिस पार्टी का करते हैं, आप जिस पार्टी का करते हैं, आप जिस पार्टी का करते हैं, आप बात तो सुन, आप भी तो किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, आप तो बात सुन लीजिए, आप भी तो करते हैं, आप करते हैं नहीं करते, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, हो सकता है, मेरा पर्सनल है, हम भी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आपका पर्सनल है तो हमारा पब्लिक है, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। पूछिए सवाल। आप तो इतना भूले कि मैं सवाल भी भूल गया। बहुत बढ़िया, हमको इसीलिए मैं कहता हूँ कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, आईना पूछता रहा। यही सवाल था, यही सवाल था कि गालिब? नहीं नहीं, अभी तो सुन तो लीजिए, सुनाइए। चलिए, आप बात को अच्छा काट लेते हैं, ये आपकी टैलेंट है, मैं तारीफ करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं भी थोड़ा सीख लूं। मंत्री का चेहरा कौन है आपकी पार्टी से? राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे पास अनाउंस तो नहीं हुआ, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे पार्टी के चेहरा ये मोदी जी हैं। अरे मोदी जी हैं, कब तक मोदी जी का ही पार्टी से ऑफिशियल रूप से अनाउंस हुआ है? नहीं, वो गठबंधन तय करेगा। हम एक चीज आपको बता दूं, पहले हो जाना चाहिए था। सुनो पहले, जयशाह का चाचा का नाम पता है आपको? कहा है मोदी। और जयशाह का चाचा यानी मोदी जी अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाइयों बहनों मित्रों, अमित शाह को वोट दीजिए। मतलब साफ है कि 70 साल बाद साहब रिटायर होने वाले हैं, 70 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, और अमित शाह जी को फ्रेम में ला रहे हैं। और देश की जनता समझ चुकी है। जयशाह का पापा क्या बोला था हमारे उत्तर प्रदेश में जाके? भाइयों बहनों मित्रों, हमको एक बार मौका दीजिए, 14 साल की बच्ची आधी रात को गहना लाद के घूमेगी, हमारे उत्तर प्रदेश में हवाई जहाज गायब हो जाता है। अब बताइए भाई, अमित शाह ने तो खुद कंफर्म कर दिया कि अगले 5 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। कैसे रहेंगे? बोला है उन्होंने, अपने आप रहेंगे। बोला है अपने आप रहेंगे। बोला जनता से पूछे, जनता क्या कहती है? क्या कहती है? नहीं चाहिए मोदी सरकार। ये आए थे 2014 में तो क्या बोले थे? बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार बोले थे। तो देश की जनता ने सोचा था कि भैया जो आटा 20 और 18 रुपए किलो है सस्ता हो जाएगा जी, जो सिलेंडर 410 रुपए में है सस्ता हो जाएगा जी। हमारे घर वालों ने भी वोट भाजपा को दिया था जी, ठीक, कि महंगी चीजों को सस्ता करेंगे, कम से कम आपके खाते में 15-20 लाख रुपए आ जाएगा, मोदी जी का बयान है जी। 15-15 लाख, अरे 15 बोले थे कि इतना काला धन है कि 15-20 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएगा। अरे भैया, हमको 15 हजार रुपया नहीं दिया और जेब में से निकाल दिया। सुनो, डकैत है ये लोग, ये प्रधानमंत्री नहीं मदारी है, इन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। जब मंच पर खड़े होते हैं भावुक हो जाते हैं। और मैंने बहुत दिन पहले ही बोला था, जब तीसरा चरण का मतदान हुआ था, मैंने बोल दिया था कि प्रधानमंत्री जी चौथे चरण में रोएंगे, चौथा चरण का फाइनल होते ही रोने लगे। चौथा चरण में 400 पार बोल ही रहे हैं। अरे बोलने को तो कहते हैं 543 पार। आप मोदी जी को बोल रहे हैं, मैं बता दूं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? सरकार भी आपकी है, अदालत भी आपकी है, सब कुछ आप ही का है जी। तो आप 400 पार करो या 543 पार करो, आपको लगता है कि संविधान खतरे में? बिल्कुल संविधान खतरे में। इनका विधायक कहता है, इनका सांसद कहता है कि इस बार हमको मौका दे दीजिए, हम संविधान बदलना है। 400 पार का इस बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तिहाई बहुमत चाहिए किसी भी चीज को बदलने के लिए जी। अभी बदल के, आपको याद होगा एक नाम है प्रवेश शुक्ला, मध्य प्रदेश। अच्छा, आदिवासी समाज के ऊपर क्या किया था आपको मालूम हो? बताइए,
आप ही बता दीजिए, अच्छा रहेगा। मुंह पे पेशाब करने का काम किया था, कितना निंदनीय है। आपको मालूम है सब कुछ, लेकिन आप लोग बात नहीं करते हैं, तो इसलिए संविधान को बदलना चाहते हैं जी। अब मोदी जी क्या कह रहे थे, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं, जो मतलब राजनीति मोदी जी की शुरू हुई थी, देश नहीं बिकने दूंगा। आज वो राजनीति खत्म हो रही है, भैंस नहीं बिकने दूंगा। तो भैया इनकी राजनीति यहीं पे खत्म हो रही है। चलिए दिल्ली के राजनीति, दिल्ली पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, अभी हम कर ही लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, हमको मालूम है। बिल्कुल, आपको तो इतना आपको नॉलेज है, पता है, मालूम है, बस बता रहा हूँ। और वही हम पंजाब में देखते हैं, तो दोनों लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी का जब राजनीतिक करियर शुरू हुआ था, तो उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था कि फलाना है, ढिमकाना है। राजनीति में क्या होता है भाई? राजनीति में क्या होता है? सवाल थोड़ा आप मैं इसका जवाब तुरंत दूंगा, तुरंत जवाब दूंगा। राजनीति में क्या होता है? आप हमारा विरोध करेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। और जब संविधान बचाने की बारी आए, देश बचाने की बारी आए, युवा बचाने की बारी आए, किसान बचाने की बारी आए, तो हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। अच्छा, और हम आज एकजुट हुए। कोई गलती काम नहीं किया, कोई गलत काम क्या है भाई? गलत काम क्या है? और इससे डरपोक तानाशाह राजा थर 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 काँप रहा है। कंसेप्ट है तो पंजाब में भी होना चाहिए था गठबंधन। भाई हम अलग अलग जगह पे अलग अलग बेसिस से कर रहे हैं। पंजाब में क्या कारण है? पंजाब में हमारी अलग विचारधारा है, वो ठीक है, लेकिन हम गठबंधन में है ना, इंडिया अलायंस की है ना, तो उससे आपको दिक्कत है कि वहाँ पे इंडिया अलायंस की है। मोदी जी ने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन क्यों किया था? बताइए। तो मोदी जी पे नहीं ना, हम तो आपसे बात कर रहे, तो मोदी जी पे क्यों चले? हम तो आपसे देश का, देश का कारभार कौन संभाल रहा है? जो सत्ता में है, जो सत्ता में है। हाँ। असत्ता वाले से सवाल नहीं पूछना चाहिए ना, जब मिलेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। अभी आप मिले, आपसे पूछ लेते हैं। पूछिए। चलिए, हम दिल्ली की राजनीति में बात कर रहे थे। आपने बोला अभी यहाँ से कुछ दिन पहले अरविंदर सिंह लवली जी है, कन्हैया कुमार को जब टिकट मिला तो काफी नाराज चल रहे थे, और उन्हें पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। देखिए, जाना है जिसको वो जाइए। हम लवली जी का पहले भी इज्जत करते थे, आज भी इज्जत करते हैं जी। और बचाने से कुछ बचता नहीं। अगर बचाने से कुछ बचता तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लेंगे। ये आपको भी मालूम है। जवानी क्यों बचाएंगे अपना? उन्होंने तो पूरा अपना जीवन देश के लिए बोलते हैं कि हम कुर्बान कर दिए। कितना कुर्बान किया है हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, बस आप कैमरे पर कह नहीं पाते। हम कह देते हैं जी, लवली जी की बात करते हैं। उन्हीं का बात कर लीजिए। बीजेपी का जब नेता कांग्रेस में आता है, आप लोग उस मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, जनता को गुमराहित और भ्रमित करने का काम नहीं बोल सकते हैं क्या आप लोग? मैं भी आ जा रहा हूँ, तो मैं आपको ही तो बोल रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाकर देखें। मैं क्या बोला? TTS नहीं बोलता है जब बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस शामिल करता है। हमें लगता है कि आप बात गलत बोल रहे हैं। मेरे चैनल पे जाकर देखो तो लोग देखेगा। भैया जाइए और देखिएगा जरूर। इतना कितना चापलूसी किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने जवाब दीजिए। जवाब तो दिया, और क्या दें? लवली वाले, आप लवली वाले पे तो बताया भाई कि जब बीजेपी का नेता आ जाता है कांग्रेस में, कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला जाता है, ये तो राजनीति है। राजनीति का तो मतलब ये होता है, जहाँ देखिए तवा पड़ा तो वहीं बिताई सारी रात। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो कार्रवाई है उसको लेकर क्या सोचते हैं? गलत हुआ है। आप बताइए कि मार्च में, अगस्त 21 या 22 अगस्त 2023 में उनके ऊपर FIR होती है जी, ठीक है। तब से बीजेपी को पता नहीं चलता कि क्या करना है। मार्च में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है साहब, कि चुनाव से पहले भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता था जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन वो 11 बार साहब संबंध तो दे है। सुनिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको बता रहे हैं, आप अपनी तरफ से मत कूटिएगा जी। आप अपनी जुबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। अरे डालेंगे, डाल भी नहीं सकते हैं। 21 मार्च या 20 मार्च को इनको अरेस्ट किया गया। आप बताइए, चुनाव से पहले भी अरेस्ट किया जा सकता था, चुनाव के बाद में भी जी, चुनाव के समय पर क्यों अरेस्ट किया गया? उन्होंने तो ये भी बोला कि हमने इनको लंबे समय से समन भेज रहा था। अरे भाई, एक चीज बताइए, जब सब कुछ आपका है, अब जैसे आप अभी आप पावरफुल जी, तो आप हमको जब चाहेंगे उठा के पटक देंगे। हाँ। तो आप कहे नहीं उठाए? आपको लगता है? साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी पूर्ण रूप से बौखलाए हुए। दिल्ली की सात की सातों सीट इस बार इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। अरविंद केजरीवाल बाहर है, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है भाई। बताइए कि 20 दिन के लिए बाहर, 20 दिन में तो साहब खेला हो जाएगा। खेला हो जाए, खेला हुई, कितना सीट का प्रभाव पड़ेगा? सात के साथ तो सीट यहाँ जीता था, और गुजरात भी जीतबे, और यूपी में भी जीतबे, बहुत सीट भैया, ऐसे बहुत प्रभाव पड़ी। चलिए कन्हैया कुमार के ऊपर बात कर लेते हैं, जहाँ बैठे हुए हैं। और जो कन्हैया कुमार के जो सामने लड़ रहा है, वो पूछता है कि कब देबू, कहाँ देबू, कैसन देबू, जैसन देबू, लेवे के बानी हम तैयार। अब बताइए
जी आप उसको देंगे, सवाल पूछने से पहले ही आप जवाब देने लगते हैं, तो ये सोचिएगा कि आप सवाल नहीं पूछ पाते हैं, आप सवाल नहीं पूछ पाते हैं, पूछने तो देंगे तब ना। आप जितना रटा के आपको आरएसएस वाला और बीजेपी वाला भेजता है उससे ज्यादा आप लोग सवाल नहीं, मतलब आप चेहरा देख के समझ जाते कौन आरएसएस वाला है कौन बीजेपी वाला है। मेरे चेहरे पे आरएसएस लिखा हुआ है, हो सकता है लिखा हो।